जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को SSCED भर्ती को लेकर जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको SSCED के नई नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आप कभी भी SSCED का भर्ती नहीं देखे हो तो आप लोग इस बार SSCED का तैयारी अच्छे तरीके से करना मेरे भाई। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है कहीं बाहर जाकर पढ़ने का तो आप एक घर में बैठकर और कहीं ऑनलाइन कोर्स लेकर बहुत अच्छे तरीके से SSCED का तैयारी कर सकते हो। देखो, जो लोग पहले से SSCED के बारे में जानते हैं ना, उन लोगों को तो SSCED के बारे में सारी चीजें पता होंगी, लेकिन जो लोग पहले से नहीं जानते होंगे उन लोगों को कुछ नहीं पता होगा। SSCED के अंदर आपका CRPF आ जाता है, BSF आ जाता है, ITBP आता है, SSB आता है और CISF आता है और आसाम राइफल आता है। तो इतना सारा पोस्ट आता है। अभी मतलब ज्यादा दिन नहीं बिता, जैसे बहुत सारे लोगों का SSCED में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोग ट्रेनिंग में जा चुके हैं और कुछ लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, और दोबारा SSCED का नई भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही निकाल दिया गया। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जैसे वो टेंटेटिव शेड्यूल था उसमें बताया गया है कि 24 नवंबर से SSCED का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और लास्ट डेट मतलब दिसंबर में 28 दिसंबर तक रहने वाला है। तो उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका था और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए थे, लेकिन अभी एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है इसके बारे में। मैं आप लोगों को पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वैसे इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो सबसे अलग रहता है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, SSCED में जैसे 18 साल उम्र होना चाहिए, 18 से लेकर 23 साल तक उम्र मांगता है, लेकिन SC ST कैटेगरी के लिए उम्र में 5 साल का छूट मिलता है और OBC कैटेगरी के लिए उम्र में 3 साल का छूट मिलता है। और SSCED में लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है। और इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाता है, जब पेपर हो जाता है उसके बाद से 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाता है। जो लोग पेपर पास कर देते हैं ना, तो दौड़ उन लोगों के लिए ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, दौड़ तो सब लोग मार देते हैं। और मान लो 40,000 भर्ती आ रही है तो 40,000 के जगह हम मतलब 7 से 8 गुना लड़कों को पास किया जाता है, बहुत ज्यादा लड़कों को पास किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को दौड़ में छाड़ दिया जाता है और कुछ लोगों को मेडिकल में छाड़ दिया जाता है। सिलेक्शन तो 40,000 का होता है, लेकिन जैसे भर्ती काफी सारे लड़कों को किया जाता है, ठीक है ना। अब RTI जांच कराए हैं तो ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग पहले देख लिए होंगे, अगर अभी तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखे हैं तो ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखना। इस नोटिफिकेशन में नीचे बताया गया है सारे वैकेंसियों के बारे में तो बताया गया है, और ऊपर लिखा गया है जैसे CRPF, आसाम राइफल, SSC CT, SSC SI और UPSC। तो जैसे पता है जो SSCED कांस्टेबल वाली भर्ती 10 पास से होती है, तो सिर्फ 10 पास वाले भर्ती में 84,800 वैकेंसी नहीं आएगी, मतलब जितना भी पोस्ट होता है ना उन सब सभी पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली जाएगी और इतना वैकेंसी तो नहीं आ सकती है मेरे भाई। इसमें जो RTI जांच में बताया गया है ना, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इस बार जो भर्ती हुआ है, जितने लोग ट्रेनिंग में अभी चले गए हैं और कुछ लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, तो उस वैकेंसी को भी इसी में ऐड किया गया है, क्योंकि यार 84,866 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग खुद सोच कर देखो। तो हमें लग रहा है इस बार जितना भी SSCED का भर्ती निकाला गया था ना, उस भर्ती को भी इसी में ऐड किया गया है। अब वो लोग ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो उन लोगों को इसमें से निकालना पड़ेगा, उसके बाद से जितना वैकेंसी बचेगा फिर उतना वैकेंसी में से, जैसे ये जो है ना SSC SI, उसके बाद से UPSC, तो उन लोगों को भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद से जो 10 पास वाला भर्ती होता है, कांस्टेबल वाला भर्ती है, उतना बचेगा, ठीक है ना। तो उतना कितना बचेगा, कम से कम 35,000 से 40,000 के बीच में मतलब भर्ती आ सकती है, तो ऐसा होने का बहुत ज्यादा चांस है। आपसे बस एक ही बात कहूंगा, देखो मेरे भाई, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पहले बता दिया गया है कि 24 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और 35,000 से 40,000 भी SSCED का भर्ती आएगा ना, तो बहुत अच्छा खासा भर्ती है। इस बार हमारे बहुत सारे दोस्त SSCED में सिलेक्शन ले लिए थे। देखो, जिन लोगों का हाइट 170 सेंटीमीटर है वो लोग तो SSCED का तैयारी जरूर करें, 168 सेंटीमीटर है, तो मैं तो उन लोगों को यही कहूंगा कि भाई आप लोग यूपी पुलिस का तैयारी करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि SSCED का तैयारी करोगे, पेपर निकाल दोगे, सब कुछ हो जाएगा और लास्ट में जब हाइट में छटोगे ना तो आपको बहुत दर्द होगा मेरे भाई। मैं ज्यादा वीडियो SSCED पर नहीं बनाता हूं, लेकिन जिन लोगों का हाइट है ना और जो लोग 10 पास हैं वो लोग SSCED का कहीं से भी मतलब ऑनलाइन बैच ले लें और वहां से तैयारी अच्छे तरीके से करें भाई। अगर अच्छे से करोगे ना तो सिलेक्शन ले
फेल होगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोगों को जीरो से शुरुआत नहीं करना है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे ना तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन ले लोगे मेरे भाई। भर्ती का इंतजार नहीं करो, अभी से तैयारी में लग जाओ। और ये जो बात बोला हूँ हाइट वाला, इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस डालना, ठीक है ना। जिन लोगों का कम हाइट रहेगा वो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा, और जिन लोगों का हाइट अच्छा खासा होगा वो लोग SSCD की तैयारी में लग जाओ। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप लोग अपने तैयारी में लगे रहो। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। अब तो जो कुछ भी होगा सारी चीज़ें आप लोग के सामने ही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।